रविवार को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की एक बैठक आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ कचहरी प्रांगण स्थित महासंघ भवन के समक्ष हुई। बैठक में गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जो पार्टी संघर्ष करके आगे आती है वह काम अवश्य करती है। आप लोगों ने हमें मौका दिया है, हमारी पार्टी को नई सरकार बनाने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार ने आपसे जो भी वायदे किए हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मौके पर कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक नयन ने बताया कि लोगों की इच्छा थी कि विधायक जी हम सबके बीच आएं और हमारी मांग पत्र को स्वीकार करें और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया। उनके इस बैठक में आने का हम लोग धन्यवाद करते हैं और उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि जो भी मांगे हैं उन्हें सरकार के पास रखा जाएगा। तमाम संविदा कर्मियों ने जिस तरीके से सरकार को बदलने में अपनी ताकत और ऊर्जा लगाई उसके लिए हम लोग आपके हृदय से आभारी हैं। यह सवाल अक्सर हमारे सामने आता था कि संविदा कर्मी या अनुबंध कर्मी जो भी इस प्रदेश के हैं वो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सहयोग और समर्थन करने जा रहे हैं तो क्या कल झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके पक्ष में खड़ा रहेगा या अथवा नहीं। मैं उस वक्त भी आपको ये आश्वस्त करता था, आज भी इस बात की पुनः आपको आश्वस्ति देता हूं कि संघर्षों से उपजे जनसंगठन को संघर्षों की पीड़ा का बहुत बेहतर आभास होता है। तमाम लोग, हमारा संगठन, हमारे नेता एक लंबे संघर्ष और आंदोलन की उपज है, तो हमें यह मालूम है कि कोई भी व्यक्ति आंदोलन और संघर्ष का रास्ता तब चुनता है जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही यह सरकार बहुत एक ईमानदार प्रयास करेगी कि जिन वादों को अपने निश्चय पत्र में शामिल किया गया वो वादे सरकार के निश्चय के रूप में कानून नियमावली वेतन वृद्धि से लेकर 60 वर्षों की सेवा तक का बनकर आपको मिले। और हमारी इच्छा और आकांक्षा यही है कि समाज के जिस सबसे निचले पावदान को आप सर्व करती हैं, सेवा देती हैं, आप उस पर विशेष ध्यान लगाएं। आपका परिवार कैसे चलेगा इसकी जवाबदेही आप सरकार पर छोड़ें।